हालेलुया, स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। गवाहों का बादल, जैसा कि इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 12 उसकी 1 आयत में लिखा है, इस प्रकार जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक को रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। मेरे प्रियो, आपको गवाहों का बड़ा बादल इसलिए घेरे हुए है ताकि आप समझ सकें कि प्रभु यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है और आप उसके पीछे भाग सकें। अब आपको पता है कि मेरे जीवन में परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है, लेकिन उस योजना को पूरी करने के लिए परमेश्वर आपको बहुत सारी गवाहियों के बीच से गुजारेगा ताकि आपका विश्वास बना रह सके और आप पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के पीछे चलकर परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर सके। परमेश्वर आपके बीच में बड़े बड़े कामों और चमत्कारों के द्वारा आपको ये समझाता है कि मैं ही तुम्हारा जीवित परमेश्वर और उद्धार करता हूँ। इसलिए जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि वह इसराइलियों को छुड़ाए, तो परमेश्वर ने मूसा को अपने चिन्ह दिए ताकि जब मूसा इसराइली लोगों के सामने जाकर चिन्ह और चमत्कार दिखाए तो वह विश्वास करें और मूसा के पीछे हो लें। अगर परमेश्वर मूसा को अपने चिन्ह ना देता तो इसराइली लोग कभी भी मूसा पर विश्वास ना करते। इसलिए परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इसराइलियों के सामने मिस्र पर अपने बड़े बड़े चमत्कार दिखाए ताकि इसराइली लोग समझ सकें कि मैं ही तुम्हारा जीवित परमेश्वर हूँ और तुम्हें आत्मिक रहना है, पवित्रताई में रहकर मेरे साथ जुड़े हुए रहना है। मेरे प्रियो, आप भी चर्च में परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कार और बड़ी बड़ी गवाहियां देखते और सुनते हैं। यह गवाहियां इस बात का सबूत है कि वह जीवित परमेश्वर है और आपके साथ खड़ा है। परमेश्वर हर प्रकार की गवाही को चर्च में इसलिए खड़ी करता है ताकि हर एक व्यक्ति उस गवाही से सीख सके और हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर काम कर सके। परमेश्वर ने कहा कि ये गवाहों का बादल तुम्हें इसलिए घेरे हुए है ताकि तुम अपनी स्वर्गीय दौड़ को जीत सको और हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर सको। यानी अब जब आपको समझ आ गई है कि वह जीवित परमेश्वर है और अगर वह इतने सारे लोगों के जीवन में काम कर सकता है तो वह मेरे जीवन में भी काम करेगा। तो अब आपको हर वह चीज जो आपको परमेश्वर में चलने से रोकती है और परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करने से रोकती है उसे दूर करना है ताकि परमेश्वर आपको भी अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर सके, आप अपनी स्वर्गीय दौड़ को पूरा कर सके और जगत में परमेश्वर की ज्योति बनकर चमक सके। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके इस गवाहों के बादल पर विश्वास करूँगा और अपनी स्वर्गीय दौड़ को पूरी करूँगा और आपकी योजना को अपने जीवन में पूरी करूँगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें, आमीन।